हैप्पी नवरात्रि फ्रेंड्स, मैं बनाऊंगी पंजीरी, अलसी की पिन्निया। थोड़े से मोटे रहेंगे तो भी अच्छा। मम्मा और पापा दोनों मिलकर बनाते हैं फ्रेंड्स, तो मैंने कहा चलो साहब को हम भी शुरू कर ले हर साल दोनों मिलकर बनाने का। पंगा मत लो, मैं इधर खाना बना रही हूँ। अरमान लो, उठ जा भाई, उठ जा। बिल्कुल ठंडी हो गया, पंजीरी की खुशबू इतनी ना। हैप्पी नवरात्रि फ्रेंड्स, आप सबको नवरात्रों की शुभकामनाएं। और मैं आज बनाऊंगी, मैंने कहा नवरात्रे चल रहे हैं तो कुछ नया करते हैं, आज मैं बनाऊंगी पंजीरी। उसके लिए मैंने सामान सारा ले लिया, आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। मैंने कहा आज सूट पहनते हैं, ये साहब का फेवरेट है। वैसे माता का कलर रेड होता ना, मैंने कहा कल रेड पहन लूंगी ना, जन्माष्टमी के दिन रेड पहन लूंगी। तो आज मेरे को यही मिला, चिकनकारी का कुर्ता है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, हल्के का हल्का। मेरा नाक आता है। चार सौ ग्राम पावा ना, ठीक है, अद्धा किलो तो घट सौ। हाँ, घ्यो अद्धा किलो, बदाम 100 ग्राम, हाँ, ते सौंफ भी है ना, गूंद। गूंद कितनी है? गूंद मैं लगती होनी अद्धा किलो पई सी, ओदे विचों दो थैलिया च पई है। थोड़ी पा ली, गूंद कितनी होगी ना? हाँ, दो क्यों वध पा लेंगे, ते की है किन्नी पावा, पाईया पाईया पा ला, वध नहीं, 100 ग्राम पा। ते ओहो खंड, चलिए आपका टाइम नहीं वेस्ट करते, तो दिखाती हूँ कि मैं क्या बनाऊंगी। मैं बनाऊंगी पंजीरी, अलसी की पिन्निया। ज्यादा नहीं बनाएंगे, थोड़ा ही बनाएंगे, क्योंकि मेरे पहले भी मेरा वेट काफी ज्यादा है। पर पता क्या, कमजोरी महसूस हो रही है। तो साहब कहते कितने टाइम से काजू बादाम सब कुछ पड़ा है ना, गुरमीत घी भी इतना पड़ा, तो कुछ बना लो। तो मैंने कहा चलो बनाते हैं थोड़ी सी। उसके लिए मैंने लिया आधा किलो घी, 400 ग्राम आटा, 200 ग्राम गूंद और आधा किलो गुड़, 100 ग्राम सौंफ, थोड़े से मखाने लिए 100 ग्राम के करीब होंगे, और 400 ग्राम लिए बादाम, 300 ग्राम लिए काजू और 100 ग्राम लिए अलसी। अभी हम इनको पीसते हैं। तो मखानों को तो मैं भूनूंगी और अलसी को भी भूनूंगी, और उसके बाद पीसेंगे। काजू बादाम को पीस देते हैं और गूंद को भी पीस देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आटा भूनेंगे। थोड़ा सा घी डालेंगे और फूल मखानों को भूनेंगे। अभी हम इनको भूनते हैं और उसके बाद फिर अलसी भूनेंगे। बहुत बोलते हैं हेल्थी हैं, इस बार तो हम लोग बड़े पैकेट लेकर आए, तो मैंने कहा चलो थोड़े से पंजीरी में भी डाल देते हैं, भून कर इनका भी पेस्ट बना देंगे, दरदरा पीस लेंगे। मौसम आज बहुत अच्छा है, धूप निकली है, आसमान बिल्कुल साफ है। मैंने कहा कर लूं मैं तैयारी पंजीरी की, उसके बाद साहब को बुलाऊंगी, मेरी हेल्प कर देंगे थोड़ी सी ना, आटा भून देंगे बस, फिर हम दोनों मिक्स करके ना मिला देंगे। अभी मैं भून के और पीस के रख लेती हूँ, फिर उनको बुलाऊंगी। और लंच में ना साहब बड़े वाले ब्रेड लेके आए थे, बहुत टेस्टी, इतने उम्र वाले, और बच्चों को वो बहुत पसंद है। मेरे चने उबले पड़े हैं और बच्चे खा लेंगे ब्रेड दोनों। अलीजा तो आएगी 4 बजे, उसका स्कूल है, आज है फ्राइडे तो लास्ट डे है। मैंने कहा ये काम भी खत्म कर ही दे, कितने दिन से बोल रही थी बनाऊंगी बनाऊंगी, बना दूं चाय के साथ। मैं अभी ऐसे बादाम नहीं भिगो के खाया करूंगी, पंजीरी खा लिया करूंगी, थोड़ी हेल्थ के लिए अच्छी है ना। साहब कहते वैसे भी आप मीठा बहुत खाते हो, थोड़ा सा खा लोगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा चलो गुड़ डालते हैं, चीनी नहीं डालते इस बार। अभी हम मखानों को पीसते हैं।
बादाम पीस ली। मखानों का पाउडर भी बन गया, इनको निकालते हैं। बादाम मैंने पीस ली है। और अभी हम काजू, काजू को तो मोटा मोटा करेंगे, तेल बन जाता है इनका, ज्यादा नहीं, बस दो एक बार चलाएंगे। और बहुत ऐसे इसको भी निकाल ले, थोड़े से मोटे रहेंगे तो भी अच्छा लगता है, बीच में अच्छे से आएंगे साफ, तो कोई बात नहीं। अगर ज्यादा चलाएंगे ना तो फिर वो घी छोड़ देगा तेल, काजू ना, ये काजू हो गए हैं, बादाम हो गए हैं, सौंफ इकट्ठी कर दी हमने, और अभी मैं उसी भून रही हूँ और गुड़ को हम कूट देते हैं। नहीं कूटना है गुड़, अभी हम अलसी भून ले, फिर इसको ठंडी करके फिर पीसेंगे अलसी को। अच्छे से भून जाए, नहीं तो कौड़ी सी होगी। मम्मा और पापा दोनों मिलकर बनाते हैं फ्रेंड्स, तो मैंने कहा चलो साहब को हम भी शुरू कर ले हर साल दोनों मिलकर बनाने का। तो अभी ना निसारा हो गया मेरा काम, बस अभी लास्ट में रहेगी अलसी, वो ठंडी होगी फिर ही करूँगी उसको। अभी तो पटाखे मार रही है वो, थोड़ी सी भुन जाए, साहब आ गए हैं। तो अभी हमने रख लिया है चूल्हा छोटे वाला, इसी पे डैडी ने बनाया था, याद आपको खोया। अभी हम डालते हैं घी, कढ़ाई को मैंने गरम कर लिया है, इसको करते हैं गरम, जब ये पिघल गया उसके बाद इसमें डालेंगे आटा। बाकी सामान मैंने इधर रख लिया, हम इसमें जिंजर का पाउडर भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स, मैं ढूंढती हूँ शायद मिल गया तो वो भी डालूंगी थोड़ा सा। आपको क्या लगता है घी नहीं है क्या? देखिए घी है नहीं, अच्छा घी है, देखिए अच्छा देसी तो नहीं है, डेयरी वाला, बस क्रीम वाला होता ना, वो जिदा घर जमाया वे जमे आप दही जमा के फिर बनाने। खुशबू तो आ रही है घी की ना, चलो डालो आटा धीरे धीरे करके। गाइस देखो ये अरमान क्यों गुस्से हो रहा है? हाँ लेट्स गो स्विमिंग, इसको पता है स्विमिंग करने गई इसी के साथ। हाँ धीरे धीरे डालो, अरमान का गाना। अरमान आ गया स्कूल से? वाह आज क्या किया स्कूल पर? पहले वो तो उतारो बैग भी उतारो, वेरी गुड। वहां पे रख के आओ, कहाँ पे रखना है? वेरी गुड, दोनों लेकर जाओ। चलो भाई मेरा पुत्र, स्कूल भी उतार देना, शूज भी बेटा ले गया अरमान। आटा भी हमने मल्टीग्रेन ही लिया, इसमें देखा ना कितने छिलके आटे में ब्राउन है। लोग बोलेंगे आते जाते किन के घर में पता नहीं कौन से पकवान बन रहे हैं।
मेरे को लगता आटा भुन गया, पर मम्मा को दिखा देते हैं ना एक्सपर्ट को, वो तो पता नहीं कितनी पंजीरियां बनाते हैं, किसी के बेबी हो तो भी उनसे बनवाते हैं। मम्मी आ हो गया बैठे आटा, हो गया आटा नहीं होया, मैं कह रही हूँ ओ ब्राउन जा तो लगी है, आटा साड़ा मोटा ही है। हाँ छड़ी एक मिनट जमा छाड़ दे, आए हैं क्यों दो तीन मिनट होर करके फिर बस गूंद पा दिया ना, बस फिर पा के बंद कर दिया ना, गोड़ लास्ट च पावा पा के फिर मिक्स कर दिए मखाने, चल फिर दो मिनट होर भुन दे, चंगा ठीक है चल। मैंने भी कहा नहीं भुना, कहते भुन गया, मैंने कहा मेरे को नहीं लगता भुना है ना, क्योंकि जब भी मैं हलवा बनाती हूँ ना बहुत टाइम लगता आटा भुनने में, अभी तो हमको 10-15 मिनट ही हुए हैं, तेज ना करो सड़न लगा भी। अलीजा आ गई, तरमान तब उसके साथ खेलेगा, आ गए आती है बेटा। अभी हमने गैस को ना कम कर दिया, आटा हमारा भुन गया और अभी हम डालेंगे गूंद और सौंफ, इसको हिलाते हैं, गूंद ना आटे में ही पक जाती है इसलिए सबसे पहले हम गूंद ही डालते हैं हमेशा, कोई पहले गूंद लेता ना हम आटे में गूंद को भूनते हैं। अच्छे से इसको पकाते हैं, मिक्स हो जाए, पंगा मत लो मैं इधर खाना बना रही हूँ, अरमान नो प्लीज नो, अरमान गिरना नहीं, इधर आओ इधर आओ। अभी हम डालते हैं बादाम और थोड़ी सी सौंफ है इसमें, जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे वैसे वैसे डालते जाएंगे। वो काजू है बेटा, काजू अरमान अच्छे से मिक्स करो, हाँ काजू अलसी काजू सब डालने। ए बेटा ना ना मेरा बेटा, इतना एक तो डराता है ना ये लड़का, जाओ दीदी के पास जाओ, नहीं इतनी जिद क्यों करता बेटा। ये क्या है, गुड़ गुड़ है, गुड़ है खाना है, गुड़ खाना, खाला फिर गुड़ खाना। अरमान वहां पे मखाने पड़े हैं बेटा, खा लो खा लो, खा कर तो देखो यम्मी है लेकर डच में लेकर बोलते ए मेरे काजू अभी आएंगे, थोड़े से बड़े थोड़े से छोटे, अरमान ये भी दे दो दे दो दे दो दे दो, ये भी दे दो बेटा। अभी अलसी और अभी फूल मखाने का पाउडर सबको मिक्स करेंगे, मैं गुड़ कूटती हूँ। हाँ बेटा आप नहीं कर सकते अरमान, जिद मत करो बेटा, देखो काचू लग जाएगा, आप घी वाला डिब्बा है बेटा, गिर ना जाए साहब, देखना इसका ध्यान अरमान ना कर पुत्र। स्टॉप स्टॉप आप साइड हो जाओ, आपके लग जाएगी बेटा। अरमान तेरे मुंह पे जुबत पर, वो तो मेरी कौन आ गया, वो तेरी फ्रेंड दी मम्मी आ गई, फ्रेंड दी मम्मी आ गई, जा साइकिल चला ला जा, भाई मेरा हाथ दुख रहा है यार, की पड़ा हो गई तो ज्यादा के कट हो चुका है, चल देखते हैं। हाय हाय अरमान
मम्मा ने तो सारी एक्सरसाइज आज कर दी है। देखिए अब नहीं साहब, अब हुआ नहीं साहब, नहीं इतना बड़ा क्यों डाल। मैंने तो जोर लगा ली, पता नहीं गुड़ कैसे है ना, गर्म है वैसे तो हो जाएगा, अभी गर्म ही है ना, डालकर अच्छे से फिर हम टॉफी है, कोई इनका पानी बना के डालते हैं पर हम तो ऐसे ही डालेंगे ना। हाँ उबाल के भी चाशनी बना के डाल देते हैं। लो भाई अच्छे से मिक्स कर दिया गुड़ को हमने ना, 15 मिनट हो गए। मैंने कहा गुड़ मुंह में नहीं आना चाहिए, आना किसी और ने, सारा टाइम लग गया। खा कर तो देखो मीठा ठीक है, नहीं तो चीनी डाल देंगे थोड़ी। आप खा मेनू की बताओ जी, आपने गैस ऑन किया? एक मिनट दिखाना भाई गुरु जी। बहुत स्वाद बनी है, बहुत स्वाद बनी है, बहुत स्वाद है। हाय हाय गुड़ थोड़े थोड़े आए हैं मिक्स, वो हो जाएगा कोई बात नहीं, गुड़ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना। पर मिक्स हो गई, अरमान मन करते खा ही जाए, इतनी स्वाद है। अवलीन को डराया, कहते अवलीन क्या हो जाएगा अगर पंजीरी खाओगे तो, फोटी बंद हो जाएगी अवलीन। हाँ बेटा अरमान के पास लाइट है, तो कॉली कॉली खाएगी बस, फिर तो गई। पानी कहाँ पे, यहाँ पे गिलास। हाँ बिल्कुल ठंडी हो गई, अब पता नहीं लड्डू बटेंगे कैसे, डालनी पड़ेगी डिब्बे में। मैंने डिब्बे यहाँ रख दिए, डिब्बा छोटा सा, तो अभी हम ट्राई करते, अगर नहीं हुए कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही खा लूंगी दाल। पनीर खाएगा फिर, आज नहीं खाऊंगी कल खाऊंगी। छोटे छोटे आज फ्रेंड्स पंजीरी खा लो, पंजीरी की खुशबू इतनी है ना दिल करता है खा ही जाऊं, पर अभी नहीं सुबह ही खानी है, दवाई जैसे बनाई है ना, ज्यादा खाऊंगी तो और मोटी हो जाऊंगी। अरमान फूक नहीं मारनी, यम्मी कभी हम इसमें रख। नहीं बेटा नहीं नहीं, ये काम नहीं बेटा, ये काम नहीं करने अरमान, ये वो नहीं है। जा अरमान दीदी को बुला के लाओ। अवलीन अवलीन आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम आइसक्रीम अवलीन आइसक्रीम, जा आइसक्रीम ले लो, जा आइसक्रीम खा लो फ्रेंड्स। इसमें रख, हाँ हाँ रख देती तो बहुत बड़ी पापा के लिए। चलो ओके ओके ओके, इतने जल्दी तो मैं नहीं बांट सकती बेटा। नहीं बेटा जा आइसक्रीम खा लो जाके दीदी। अवलीन बचपन में तो ना हम लोग बिल्कुल नहीं खाते थे, मम्मा बनाते थे 2 तरह की पंजीरी, एक तो मेथे नहीं होते वो बनाती थी, और हम लोग कभी नहीं खाते थे। होते ना। हाँ और हमारे लिए सिंपल पंजीरी भी बना के देते थे, पर फिर भी अवलीन ना कर बेटा, फिर भी हेल्प करो आ जाओ फिर मेरे फिर हमको ना वो भी अच्छी नहीं लगती थी, हमको तो अच्छा लगता था खोया या गजरेला, मम्मा पापा दोनों मेथे खाते थे, अभी भी खाते हैं वो। हमारे गंगानगर में हम लोग अलसी की पिनियाँ नहीं बनाते फ्रेंड्स, हम लोग गूंद की बनाते हैं मेथे की, मेथे को ना जो होते नहीं मेथे इतने कौड़े होते हैं उनको दूध में भिगो कर फिर बनाती है मम्मा गुड़ डालकर, वो भी बहुत हेल्थी होते हैं। मम्मा ने बड़ी सी कढ़ाई ली थी 20 किलो वाली और 10 किलो बनाते थे हर साल, और सारे तो चमचे ना खा, मेरे को पता जितनी हो सकती उतनी, बाकी ना
हाँ बाद में फिर हम ऐसे कर लेंगे ना, जितनी मैं कर सकती हूँ करती हूँ। थोड़ा सा तो है 1 किलो 1.5 किलो, ज्यादा तो नहीं, 2 किलो थोड़ा सा सामान है। आप क्या खा रहे हो? आइसक्रीम। ये तो आपके लिए बनाया है, शोल्डर ठीक हो ना? हाँ है ना, थोड़ा सा शोल्डर ठीक के लिए बनाया। कमजोरी हो गई ना? कमजोरी कहाँ से, इतनी मोटी नहीं मतलब, हाँ पता नहीं कुछ हुआ है। मैंने डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बनाया, चल चाय डॉक्टर को अभी दिखाएंगे हमारे। चाय पत्ती लेकर आऊं? चाय नहीं पीती आजकल मैं सारा दिन। चाय पत्ती फेरूं? अच्छा वो नजर उतारते हो? नहीं नहीं नजर की जरूरत नहीं, आजकल चाय बिल्कुल नहीं पीती मैं, बस सुबह पी ली, अभी पानी पे चलता है। आप क्या कर रहे हो? आइसक्रीम, ये वाटरमेलन का फ्लेवर। और अरमान को मैंने आइसक्रीम दी, उतने में मैं जल्दी से वाटरमेलन, हाँ फ्रेंड्स को बोलो वाटरमेलन आइसक्रीम खा लो। मैंने थोड़े से बांट दिए लड्डू, सब कहते हैं ऐसे चम्मच से खा लिया करना गर्मी, हम तो ऐसे ही खाते हैं वैसे इंडिया में भी। कोली में डाला, चम्मच लिया है ना। इस बार मैंने बड़ी कढ़ाई लेनी थी तो ज्यादा बना सकती थी, हम लोग कढ़ाई लेके नहीं आए बड़ी, बहुत एक बार ये खा ले। हाँ मम्मा कहती ना बड़ी ले जाओ बेटा 10 किलो वाली, 15-20 मिनट लगा इसमें। हाँ है, और अब तो हमको हर साल बनानी चाहिए ना, बनाते रहेंगे। मेरे लिए भी बना दूंगी। हाँ आपके लिए भी बना दूंगी, वैसे आदत है ना कि माँ से पूछना ही है, चाहे हमने बहुत बार बनाई है ना पर मेरी आदत है उसमें उनको फोन करना ही करना है, एक वो हो जाता ना कि सही बनी है कि नहीं। हाँ चलो देखिए कितना सा बना, बस कोई बात नहीं, बहुत है मेरे लिए इतना ही बस। ओके और रख देना लो, एक बड़ा लड्डू भी रख देते हैं ऊपर ऊपर। ये बना, ये बना और ये बना। हाँ थोड़ी सी मैंने बांट के अलग से रख दी है। और ये क्या क्रिसमस बॉल आती है। थैंक यू। मेरी पिनिया ये रेडी फ्रेंड्स, और अब इनको एंजॉय करूंगी चाय या दूध के साथ, थोड़ी बहुत खा लिया करूंगी। आई होप आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो, आप लोग भी बना सकते हो अपने लिए, एक बार बनाकर देखना फ्रेंड्स इतनी टेस्टी बनी है ना, क्योंकि हमने आटा तो सारा 400 ग्राम ही डाला था और घी पूरा था, आपने देखा ना कैसे ऐसे आटा हो रहा था, सारी सारा ही घी दवाइयों में ही गया और आटा का बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा, टेस्ट आ रहा बस जो उसमें डाली है सौंफ और काजू, किशमिश, किशमिश तो नहीं डाली मेरे को अच्छी नहीं लगती, बादाम, जो जो भी अलसी डाली उसका ही टेस्ट आता है, ऐसे होती पंजीरी। अलीजा आज टाइम पर आ गई, कहते आज मेरा क्लास हो नहीं आया टीचर, पता नहीं किसका अटैक हुआ इसको, टाइम देख रही है 4 मिनट पड़े बेटा अभी। ये क्या है? मेरा जो लेंस का होता है, कहते मिल गया ना। आई एम स्विमिंग। हाँ आप भी स्विमिंग जाओगे, पहले 4 साल के तो हो जाओ। कहाँ जाना? स्विमिंग। पहले गाना गाओ, गाना गाओ वही वाला। देखना लीजा कहता मैंने स्विमिंग करने जाना है, कब स्कूल से आई है ना। बाय मां। इधर आओ दोनों भाई बहन, जा रहे बाय बेटा। अवलीन तो जाएगी स्कूल, अलीजा को छुट्टी होगी। चलो अभी अलीजा उठाओ 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 बेबी को, इधर लेके आना अलीजा बेबी, कितने महीने का बेबी है। आले 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 आले, बेबी तो इतना बड़ा हो गया, दीदी जितना तो हो गया बेबी। चलो अभी देखना ऐसे झूठे लेता अलीजा के साथ, 1 2 3 4 बस करो बेटा। ये मैंने अरमान का बनाया है, ये दाल जो राजमा की बनाई थी, एग और थोड़ा सा ब्रेड, और ये मेरा सलाद है, मैं तो यही खाऊंगी, तो साहब का भी मैं डाल के रखी देती, वो भी आएंगे तो खा लेंगे।
नमक इधर रख देते हैं। आ जाओ अवलीन, आप भी आ जाओ, आ जाओ। चीज काटते हो? हाँ, काट कर डालो, ठीक है, ओके। अंडा आई, अंडा आई। अरमान ये क्या है? ब्लूबेरी। नहीं, ये है ग्रेप्स, ड्राइव। अंगूर को ना यहाँ ड्राइव बोलते। दूसरा निकालो, ट्रैक्टर। या ट्रैक्टर, वेरी गुड। और बताओ अरमान के क्या है? अरमान को कौन सी चीज पता चलती है? ये क्या, ये क्या अरमान? बोट। हाँ, बोट है बेटा ये। दूसरा ये क्या? पॉप। पिंगविन। पिंगविन। हाँ, ये क्या? ये क्या अरमान? ये क्या? स्कून नहीं है ये, स्कार। स्कार। खरूनी रौद है ये, तो ट्रैक्टर है आपको पता है। एक आगे ये क्या? कोनाइन रैबिट, अवलीन का फेवरेट। आगे चलो, और क्या बताता है अरमान? कोनाइन भी बता दिया। और ये क्या? हाँ, ब्लाचेस। ये क्या? मैची। माइश। हाँ, मैची। और ये क्या? यास। और ये क्या? माची आन। नहीं, ये क्या? मिख। माची। ये है लीफ हेर्श बेश बेटा, लेडी बग। उसको बड़ा ना, यहाँ डच में कुछ और बोलते हैं ना। वेरी गुड। ऑरेंज। और भी बहुत सारी चीजें अरमान। हाँ, ये क्या अरमान? ये क्या? ये क्या? एक मिनट और आ गया मेरे पास। ये तो माइश है। ये क्या? क्या? पाराप्लू। ये अम्ब्रेला, रेनबो कलर। या व्हाट इज दिस? दैट्स व्हाट। ये बताओ सब्जियों के नाम बताओ। फ्रूट नहीं है ये, वेजिटेबल है बेटा। माइस, सला, कुर्शत, अपनी मर्जी करता है अरमान। ये क्या? सीब्रा। सीब्रा। ये क्या अरमान? गाड़ी। पुश। पुश। वेरी गुड। हाँ, मम्मा ने कोट पहन लिया बेटा। हाँ हाँ हाँ, हम लोग चलते हैं अरमान को लेकर बाहर। मंजीरी बन गई है, ठंडी होगी तभी उसके लड्डू बटेंगे, फिर काट देंगे, छोटे छोटे लड्डू बना देंगे या पीसों में काट देंगे। ओ यार, ये तो शूज़ है, मेरा दिमाग भी खराब। ये शूज़ है साहब, फेंकेंगे? फेंकना है, किसी को देने दे सकते हैं। अरमान कहाँ जाना है? आ जाओ, बड़े बड़े प्ले ग्राउंड चले। आ जाओ, आ जाओ बेटा, जिद क्यों करते? आ जाओ। हाँ हाँ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ हाँ, धूप सेकेंगे थोड़ी देर बाहर बैठकर। चलो, लेट्स गो फुटबॉल। चलो भाई, मैं और अरमान फुटबॉल। धीरे से मार बेटा, कैमरा ही गिर गया था, कैमरे पे मारो। वहाँ पर ना काट रहे हैं वो, बड़ी बड़ी मशीनें इनके पास। चलो अभी करो करो फुटबॉल, मैं बैठती हूँ भाई। मंजीरी बनाकर थक गई माँ, और क्या, थोड़ी देर धूप सेकती, बस चूटे मत देना, चक्कर आ जाएंगे। अरमान और आप फुटबॉल खेलो, देखिए कितनी अच्छी धूप है ना। वाव, साहब का थैंक यू, उन्होंने मेरी हेल्प की। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें। मैं पंजीरी खा के स्ट्रांग हो जाऊंगी, फिर अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय। बाय बाय।